जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार बताया है। वहीं ईरान ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। हमले से तिल मिलाए अमेरिका ने कहा है कि वो इसका जवाब देगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस हमले की जड़ में क्या है और किस तरह अब तनाव और बढ़ सकता है। बताया गया है कि बड़े आकार के ड्रोन ने जॉर्डन में टावर 22 के नाम से जाने जाने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले पर कहा, हमने अपने एक सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 3 बहादुर सैनिकों को खो दिया, हम जवाब देंगे। इस हमले में सैनिक घायल भी हुए हैं। इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ ऐसे समूहों की ओर से महीनों से हमले जारी हैं, मगर अब अपने सैनिकों के हताहत होने से अमेरिका तिलमिला गया है। इस बीच खबर है कि पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी हवाई हमलों के डर से अपने ठिकानों को खाली करना भी शुरू कर दिया है। इस मामले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है, अमेरिका अपने सैनिकों और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करेगा। ऑस्टिन ने बताया कि सैनिकों को आतंकी संगठन IS को स्थायी रूप से हराने के लिए वहां तैनात किया गया था। अमेरिकी सुरक्षा बल लंबे समय से अपने आधार शिविर के तौर पर जॉर्डन का इस्तेमाल करते रहे हैं। हमले के बाद इसमें अपनी भूमिका से इनकार करते हुए ईरान ने कहा है कि प्रतिरोधी समूह इसराइल की ओर से युद्ध अपराधों का जवाब दे रहे हैं, वे ईरान से आदेश नहीं लेते। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस वक्त गजा में इसराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इसराइल पर आरोप लग रहे हैं कि उसके हमलों में गजा के आम लोग भी हताहत हो रहे हैं। वहीं अमेरिका इसराइल का करीबी दोस्त है। अमेरिका कई बार इसराइल से संयम बरतने की बात कह चुका है, मगर युद्ध में लगातार आम लोग हताहत हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या उसकी नसीहत महज दिखावा है। इधर ईरान इसराइल और अमेरिका का दुश्मन है। पिछले कुछ वक्त में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनको लेकर कहा गया है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका और उसके दोस्तों को निशाना बनाया है। कुल मिलाकर अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इनके बीच सीधी लड़ाई की आशंका भी तेज हो रही है।